विशाल याजाली जनरल ग्राउंड में समान विचारधारा वाले युवाओं के एक समूह द्वारा बुलाए गए लेट्स नो आवर लीडर हिज विजन फॉर यंग जनरेशन शीर्षक से एक आकर्षक और ज्ञानवर्धक बातचीत कार्यक्रम में 16वें याचुली विधानसभा क्षेत्र से आने वाले युवाओं की एक विविध श्रृंखला शामिल थी। तोको तातुंग के साथ सीधे संपर्क करने का अवसर मिला। इस सभा का उद्देश्य इन युवा दिमागों की आकांक्षाओं, चिंताओं और दृष्टिकोण को गहराई से समझना, संवाद और विचारों के आदान प्रदान के लिए एक मंच को बढ़ावा देना था। मास्टर प्लान है जो आपने आपके मैनिफेस्टो पे लिखा है जो डिजी सेवा सेंटर के बारे में, आप उसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे? देखिए, आप जैसे सरकार आपके द्वार जो कराए हैं, हम उसी लाइन पे डिजी सेवा जो है, क्योंकि ये इंटरनेट का जमाना है। आज अरुणाचल पे भी मुझे विश्वास है कि हर कोने पे, जितने भी बस्ती क्यों ना हो, BSNL का नेटवर्क पहुंच चुके हैं, एयरटेल का नेटवर्क पहुंच चुके हैं। डिजी सेवा जिस जगह पे नेटवर्क है, हम उस जगह पे ये प्रोवाइड करना चाहते हैं, ताकि हम लोग को जो अभी पेपरलेस जो ई ऑफिस का जो शुरू किया है ये गवर्नमेंट, हम उसको आगे ले जाना चाहते हैं। यहाँ पे बहुत सा स्कीम्स है जो स्टेट गवर्नमेंट काफ़ी किए हैं, लेकिन ये नीचे तक नहीं पहुंच रहा। तो वो नीचे जो ब्रिज है, उसी का जो दूरी है, उसी को मैं ख़त्म करने आया हूँ। एंड आई बिलीव दैट आई एम कैपेबल इनफ टू डू दैट। थैंक यू। आपके जो मैनिफेस्टो में है, जो स्कीम एक्चुअली मेजिक का जो आप प्रचार कर रहे हैं, इंडस्ट्री ग्रोथ को कैसे आप उसको प्रमोट करें? देखिए, ये एक बहुत बड़ा उम्दा क्वेश्चन आपने पूछा है। देखो, यहाँ पे बड़ा इंडस्ट्री हम सेटअप नहीं कर सकते। अरुणाचल कैन नॉट हैव बिग इंडस्ट्री बिकॉज द लॉजिस्टिक कॉस्ट इज वेरी हाई। यू नो, द लॉजिस्टिक कॉस्ट ऑफ इंडिया इज 7% ऑफ GDP। ये और अरुणाचल ऐसा जगह है, रास्ता काफ़ी कठिन है, जो अभी नेशनल हाईवेज आए हैं उससे बढ़िया हुआ है, लेकिन हम लोग का जो लॉजिस्टिक चार्ज है वो काफ़ी हाई है। तो यहाँ पे हम ऐसा इंडस्ट्री नहीं लगा सकता। हाँ, हम यहाँ पे रॉ मटेरियल बेस्ड, एग्रो होर्टी बेस्ड इंडस्ट्री हम लगा सकते हैं, हम फ्रूट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगा सकते हैं, और वो भी कॉटेज इंडस्ट्री, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। PPP मोड पे हम ये करना चाहते हैं, लेकिन उसको करने से देन यू नीड इंटीग्रेटेड प्लान। उस पर आपको कोल्ड स्टोरेज का फैसिलिटीज देना पड़ेगा, आपको उस पर रेफ्रिजरेटेड वैन्स प्रोवाइड करना पड़ेगा। जब ये आपका बैकवर्ड लिंकेज होगा, आपका जब ये लॉजिस्टिक फैसिलिटीज होगा, तभी जाके हम एक फ्रूट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री या फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को हम सोच सकते हैं, क्योंकि पावर का यहाँ पे है, लेकिन हाँ, पावर भी इतना सही ढंग से नहीं हो रहा जैसा है। तो मेरा ये मानना है कि अगर 16 एक्चुअली पे करना है, तो हमको एग्रो होर्टी बेस्ड, बैम्बू बेस्ड, एरोमेटिक एंड मेडिसिनल बेस्ड इंडस्ट्री लगाया जा सकता है, वो भी PPP मोड पे। यही हमारा गुहार है, और मुझे विश्वास है कि इफ आई एम इलेक्टेड, आई एम गोना डू दिस। आई एम फ्रॉम ए बिजनेस बैकग्राउंड एंड आई नो हाउ टू गेट इट डन। आपका जो इनिशिएटिव है, जो यूथ एम्प्लॉयमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेके, आप उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर रहे थे, कैसे करेंगे? देखो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब क्या है कि साइंटिफिक वे ऑफ हार्नेसिंग वट एवर रॉ मटेरियल दैट यू हैव इन रेस्पेक्ट टू द इकोलॉजी। हम ऐसा जैसे अभी यहाँ पे देख रहे हैं आप, हमारे पहाड़ी एरिया पे आप देखेंगे कि बहुत सा डिफोरेस्टेशन हो रहे हैं। उसके चलते क्या हो रहा है कि पानी का जो पहले जो स्ट्रीम्स हुआ करता था, अकॉर्डिंग टू ए स्टडी इन 2015, मोर देन 753 स्ट्रीम्स हैज डिसअपीयर्ड। ये क्यों हो रहा है? जब आप एफोरेस्टेशन करेंगे, आपका पेड़ नहीं होंगे, वेन द देर इज नो ट्रीज, हाउ विल इट रिटेन द मॉइस्चर, हाउ विल इट रिटेन द सर्फेस रनऑफ। तो हम ये भी बोल रहे हैं कि हमको वाटर हार्वेस्टिंग करना है, हमको एफोरेस्टेशन करना है, हमको इकोलॉजी बैलेंस को मेंटेन करना है, हमको बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करना है। उसी के चलते
हमको इंडस्ट्री भी खोलना है तो एनवायरमेंटल फ्रेंडली हमको इंडस्ट्री खोलना पड़ेगा। कौन सा पे क्या पे खोल सकता है, हम बेम्बू को यूज़ कर सकते हैं, हम पाइनएप्पल को यूज़ कर सकते हैं, हम ऑरेंज को यूज़ कर सकते हैं, हम हाई वॉल्यूम हाई वैल्यू लो वॉल्यूम स्पाइसेस जो कार्डमम है हम उसको यूज़ कर सकते हैं। सो एवरीथिंग हैज़ टू बी डन इन ए वेरी सस्टेनेबल वे। उसको बोलते साथ साथ मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि हमारे जो यूथ्स है वी हैव I think they have already taken initiative of cleaning the river. हमारे चलते अगर मुझे विधायक चुना जाएगा इसको बिल्कुल ऑर्गेनाइज वे पे सिर्फ बड़ा नदी ने हर एक स्ट्रीम को हम साफ रखेंगे क्योंकि यहीं से हमारा पानी सोर्स आता है, यहीं से हम पानी पीते हैं और यही नदी यही झरना से हमको इरीगेशन भी करना है। सो इट विल बी डन इन ए इंटीग्रेटेड मैनर वेयर बाय इकोलॉजी विल बी रिस्पेक्टेड, वेयर बाय एनवायरमेंट विल बी रिस्पेक्टेड। दिस इज माय मोटो एंड दिस इज माय बिलीफ। सर आपका मैनिफेस्टो जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो इसमें आपका मैनिफेस्टो में वुमेन के लिए है, बिल्कुल सर देखिए यहाँ पे वुमेन के लिए मैंने सबसे पहले बताया कि वुमेन यहाँ पे जितने भी मैंने कैंपेनिंग की है मैंने देखा कि बहुत से सेल्फ हेल्प ग्रुप है यहाँ पे, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज भी बनाए हुए हैं, लेकिन उसको जो एक्सपोजर मिलना है वो नहीं मिल रहा है, उसको जो प्रोफेशनल हैंडलिंग चाहिए वो नहीं हो रहा है, यहाँ पे मैटरनल केयर नहीं होता, यहाँ पे औरतों का ध्यान नहीं दिया जा रहा। हम क्या करेंगे, ये पीस ऑफ मील रन ऑफ द मील काइंड ऑफ ए थिंग की 5 साल पे दो बार करें, हम ऐसा नहीं करना चाहता। हम एवरी ईयर हम हेल्थ मेला लगाएंगे और हम घर घर हम बस्ती बस्ती जाएंगे। यहाँ पे इतने औरतें हैं जो सी इज द ओनली ब्रेड अर्नर, उसको हम सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू उसको किस तरह उसका इनकम को एनहेंस करेंगे हम ये भी कर रहे हैं। हम एक्सपर्ट In Kerala, I am in touch with them. They are the best in India when it comes to self-help group. I'm getting the experts from them and I'll be helping RSHG through this established network and I'll be using UNDP, I'll be using various international agencies also. हमने आप और एक चीज़ भी किया, आपने ध्यान नहीं दिया होगा, नियम अतोर फाउंडेशन जो हमारे यहाँ पे नारी शक्ति जो बोलते हैं नियम अतोर फाउंडेशन, हम भी ये 16 एक्चुअली पे भी ये करना हम करने जा रहे हैं। इसके चलते हम हमारे जो औरतें हैं उसको हम इंटरनेशनल ग्रुप से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से नेटवर्किंग कराएंगे, वो भी देखेंगे बाहर का दुनिया और किस तरफ जा रहे हैं वुमेन, और ये चीज़ यहाँ पे होना ज़रूरी है क्योंकि अरुणाचल इज़ अ वेरी सक्सेस सोसाइटी। आई थिंक वी नीड टू डू मोर फॉर द वुमेन, ये मेरा विश्वास है। तो सर एक्चुअली में जो है पॉलिटिक्स को लेकर बहुत ही मतलब फेमस हो रहे हैं सब डिस्ट्रिक्ट में, तो आपको क्या लगता है यहाँ का माहौल कैसा है और की पानियों डिस्ट्रिक्ट में किसकी सरकार बनेगी, एनसीपी का या बीजेपी? यहाँ पे जनता का सरकार बनेगा, यहाँ पे यूथ का सरकार बनेगा, यहाँ पे माँ पिताजी का सरकार बनेगा, यहाँ पे पब्लिक का सरकार बनेगा। हम आपको ये आश्वासन देना चाहता है कि आज अगर 16 एक्चुअली का बात कर रहे हैं तो किस ले कर रहे हैं, क्योंकि 16 एक्चुअली पे पूरे अरुणाचल पे ये पहली बार हुआ है कि यूथ को प्राथमिकता दिया गया है, वुमेन को प्राथमिकता दिया गया है। इसी के चलते मुझे फ़ोन भी बहुत आया हमारे दोस्तों से जो काफ़ी जगह पे वो खुद उम्मीदवार है, हमको बताया कि उसके वहाँ भी 16 एक्चुअली के यूथ को गुहार को सुन रहे हैं और वैसा ही 16 एक्चुअली के यूथ की तरह वहाँ के यूथ भी जागरूक है एंड दे आर ट्राइंग टू डिफाइन द नैरेटिव ऑफ द पॉलिटिक्स, एंड यही इस बार का टेक अवे होंगे। और मुझे ये बता के मुझे बड़ा खुशी हो रहा है कि यहाँ पे जो मनी कल्चर है, अगर मनी कल्चर को कोई तोड़ेगा तो हमारा यूथ ही तोड़ेगा। और मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर मुझे चुना जाता है तो मेरा 5 साल जो आगे 5 साल होगा ये मनी कल्चर को हम तोड़ने में लगाएंगे, और मनी कल्चर तब टूटेगा जब आपका लीडर आपसे बात करेगा, आपका दुख को बताएगा, आपका दुख को सुनेगा और उसका हल को निकालेंगे। ये नहीं कि 5 साल जीतने के बाद गायब हो जाए और 5 साल के बाद 1 साल पहले या 6 महीने पहले आके इलेक्शन पे भाषण दे, ये चलेगा तो मनी कल्चर चलेगा। अगर ये टूटता है तो मनी कल्चर जरूर टूटेगा और वही तोड़ने आए हैं हम।